खुशी मोहम्मद की आवाज में मौला यसली वसल्लम दायमा नाबदन पीटीवी पे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। अल्टीमेट रेमेडी जो ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, उसके अंदर ये भी है कि सीधा पुरदर्शन भी है कारी खुशी मोहम्मद साहब का, उसे भी आंखें बंद करके इसी तरह सुबह दोपहर शाम फालिश के मरीज के पास लगा दें एक हफ्ता, और वो जब पानी पीने के काबिल हो जाए तो उन्हें पानी दें, वो तीन बार अल्लाह अल्लाह कह के तीन घूंट पानी भी पी लेंगे। बाकी जो आप मुझे यहाँ करते हैं कई बार लाइव में देखते हैं, किसी को माली हाक करा रहा हूँ, किसी को कई बार म्यूजिक सुनवा रहा होता हूँ या धमाल, वो स्पेसिफिक बहुत कम केसेस हैं, वो नहीं, ये सबके लिए है फैज आम है, यही कर ले पहले। ठीक, बाकी क्या सुनाएंगे आप हमें खरी खरी के अलावा? आप माइक दे देंगे मेरी है, अच्छा ऊंचा बोलिएगा जी। अली भाई ने फरमाया ख्वाजा साहब का कलाम, अली भाई ने फरमाया ख्वाजा साहब का कलाम जी, हुक्म फरमाए सुनाए। ए तन मेरा जे कंघी होवे, ते मैं जुल्फ महबूब दीवान पोश मेरे दी बन जाए जूती, ते शाला यार दे पैरियां जे सोना मेरे दुख च राजी, ते मैं सुख नू चुले पावा यार फरीद जमिल पवे सोना, ते मैं रो रो हाल सोना। अब दोबारा दोबारा यही सारा बीच में मेरे जैसे वो अभी समझ आई है कि आप सरकारे दो आलम की बात कर रहे हैं, सोना जो कह रहे हैं, या मेरी खाली जुती बन जाए तो सोना पा ले, ये किसी आशिक की तड़प है। दोबारा बाबा फरीद का कलाम, ए तन मेरा जे कंघी होवे, ते मैं माही दीवा वल्लाही पोश मेरे दी बन जाए जूती, शाला यार दे पैरियां जे सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले पाल यार फरीद जे मिल पोए सोना, ते मैं रो रो हाल सोना। क्या हाल सुनावा दिलदार, कोई महरमदार न मिलता, कोई
ओ दिल यार किते कोरा में, दिल साडे बने हुए सजन वे निखड़ बने ते दर भी ढोला ता तू निखड़ा दे मुल पावे वे आप तारवे आजाद रमा तू जिम्मेदार दर्द फरीद देला आया यार दिलों सिर भारी ओ लगी हो शेर खुआरी रोने उमर गुजारूं सारी रोने उमर गुजारूं सारी ना पायम दस मंजिल इको महरम राज तू मिल महरम राज तू मिलदा वे तेनु हाल सुनावा मैं दिलदा इको महरम राज तू मिलदा महरम ओ भावे दिक दे धोड़े खान दिया वे भावे दिक दे धो तुम फड़ी आवे तेरिया बांदड़ी हाँ तेरिया बांदिया दी मैं बांदड़ी हाँ हिम दर दिया कुत्ते नाल अदब इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब
माही खुश बसद अरब मुठड़ी नित जान बलब माही खुश मुल्क अदब था मैं मुठड़ी हर वे याद दी तांग लगी हर वे याद दी तांग लगी सुने सीने दे अकला आग लगी ओ सुने सीने दे बिच सांग लगी सुने सीने दे हाथ तांग लगी है मिल सूर समूले सब इत्था में मुठड़ी तती थी जो गल चौदह फिरा तती थी जो गल चौदह फिरा वो तती थी जो गल चौदह फिरा हिंद सिंध पंजाब दे मार फिरा वो सुन बर ते शहर बाजार फिरा मता यार मिलम कई सांग सबब इत्था में मुठड़ी वासो दिल बरियार सजन वासो ढोलनियार सजन वो बाबा सोना ढोलनियार सजन वासामल होत इजाज वतन आदेख फरीद दा बैत हुजन देख फरीद दा बैत हुजन हिमरोज अजल दी तांग तलब दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूज दे जाए घर की चक्की कोई ना पूजे हे जिसका पीसा खाए पत्थर आज मेरे सर पे बरसते क्यों पत्थरों आज मेरे पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों मैंने तुमको
भी, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। तीजा अय्याम की, अरे पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह, माइनी आता। एक मला पाल के सुना भी, मला पाल के सुना। मोहम्मद है अली में दार पे भी, लफ्जों को रवानी देते हैं, हम मद है अली में दार पे भी, लफ्जों को रवानी देते हैं, शाहिद है अदाए मीसम भी, हम हैं वाली के दीवाने, शायद है आदाए मी
सूली चढ़ना हो आज से पेड़ पे सूली चढ़ना हो उस पेड़ को पानी देते हैं आबास ने पानी चुल से दरिया को पिला के बतलाया आवास ने बतलाया हम खुद ही हैं आबे कौसर ही हम खुद ही हैं आबे कौसर ही दरिया देते हैं आवास की तुर्बान के ही करी बस मुझे ओ मैं बहता हूँ बस मुझे जब हुक्म रवानी देते हैं पेशा सरवर ने रूमाल को बांधा ये कह कर पेशानिये सरवर ने रूमाल ने बांधा ये कहकर उम्मत भी फिदा हो जाएगी उम्मत भी फिदा हो
जाएगी हम ऐसी निशानी देते हम मद है अली ने दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। तो एक टाइम था उससे कैफियत चल रही थी उसमें मैं चाहता हूँ कोई तोहमत लगाई जाए मंसूर बनूं दार चढ़ाया जाऊं जाम पे जाम पीऊं उनके हाथों और दीदे यार में मस्त फिराया जाऊं रहे लब पे सनाए अहले वफा इसी वजद में महफिल से उठाया जाऊं रास आ गई दर्द की लज्जत वल्ला थोड़ा और जरा और तड़पाया जाऊं अब तो हसरत नहीं जीत की कोई मुझमें किसी करबल में सरेआम हराया जाऊं हुसैन ही हूँ फकत चाहत यही है किसी ये यजीद के हाथों मरवाया जाऊं। किसका कलाम है? अल्लाह ये मैंने लिखा था दे बंदे तू और यजीद ना पागे। वो पढ़ लेते हैं तेरे इश्क में जाया करके तैया तैया। ये धमाल की सूरत करना है क्योंकि अब मौला अली का जिक्र किया है तुमने तो फिर धमाल आप लोग लाजमी नहीं उठ के नाचे अपने ख्याल में कर सकते हैं इसके साथ जहां जहां से ये गुजरेगा। कैमरा कंट्रोल तेरे पास होने चाहिए कैमरा मैन तो अच्छी है तुझे ये पता है कि कहाँ पे कैमरा किस वक्त तो होना चाहिए सेंस है ना तेरे में ये सारे तो खुद टुन हो गए होते हैं ना ये एक जगह स्टैंडो पे कैमरे लगा के ना ये खुद अपने मजे ले रहे होते आसान काम है बैठ के ये अपनी मस्ती में गुम होते हैं तेरा होता है कि ये मोमेंट कैप्चर हो कि ये हो तो तेरे हाथ में कैमरा हो फिर ही घूम सकते हैं लेकिन तो अपने हिस्से के काट लेती है मैंने बाद में देखी है अगले देख लिया था मैंने यार ये मैंने नहीं देखे ये कहाँ से आए हैं मुझे समझ आ गई थी आप जी बाबे जान ना जान मैं तेरे कुर्बान जान ना तेरे जया में और न कोई तेरे जया सानूं और न कोई ढूंढा जंगल बेला रोही ढूंढा सारा जहां ढूंढा सारा जहां वे बड़े आबार मेरे मैं तेरे कुर्बान तेरे जया मैनू और न कोई तेरे जया सानू और न कोई ढूंढा जंगल बेला दोही ढूंढा सारा जहां ढूंढा सारा जहां
इश्क दी जंगी विच मौत पुजेंदा इश्क दी जंगी विच मौत पुजेंदा सानू केबला ते काबा सोना याद दिसेंदा सानू केबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके मोड़ खबर ना लिया सानू घायल करके फिर खबर ना लिया सानू घायल करके मोड़ खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर थैया तेरे इश्क नचाया करके थैया ओ तेरे इश्क नचाया कर थैया तेरे इश्क में जो भी डूब गया तेरे इश्क में जो भी डूब गया तेरे इश्क में जो भी डूब गया तेरे इश्क में जो भी ओ अल्लाह जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या उसे डरना क्या उसे डरना क्या हो मन
मादा मन कुंतो मन कुंतो मादा पादा दियो माला मन कुल तो माला मन कुल तो माला हम तुम ताना ना 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 रे ताना ना रे हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे या लाली या लाली या ला यादी मन कुंतो माला मालाली 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 तो माशाल्लाह आपका इनाम है मेरे पास दोनों का ही इतना बड़ा इनाम आम है रंग भी पड़े कलंदर शहंशाह का कलाम पढ़ के फिर जो आपका दिल पर ओ रब ने किए शान बताए बेकर्म ते कर्म कमाए जेड़ा भी तेरे
दर्द आवे ओ न कदी भी खाली जावे इो विरुद है दम दम वाली अरी इो विरुद है हर दम मलारी इको विरुद है दम दम वाली अली सही लाल कलंदर मस्त मा झूले लाल कलंदर मस्त मा राजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर आखी जा मलंग दम दम अली 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 आखी जा मलंगा आखी जा मलंगा सच्चे आपे मन लैणगे अज नी ते कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर 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 मस्त मस्त इको विरुद है दम दम अली अली इको विरुद है दम दम अली अली सही लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त रब ने किले जाने बदाए बेकर्मा दे कर्म कमाए जेड़ा वीर दर्द आवे ओ न कदी भी खाली जावे इहो विरद है दम दम वाली अली इहो विरद है दम दम अली अली इहो विरद है दम दम अली 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 विरद है दम दम अली अली इहो विरद है दम दम अली अली सही लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त वेख वसावल छोड़ी ना दिल कमले नू तोड़ी ना झोली मेरी भर दे साइया साले दर तो मोड़ी ना मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली इहो विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर लजपाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त सरदार कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त ये भी दुआ है पागलों की दुआ यही है ये कोई महफिल मौसीकी नहीं है ना कोई तमाशा है ये दुआ है इसमें भी एक सबक है अगर किसी के नसीबे में हो तो जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है दुनल जी आप कहाँ से आ गए हमें तो कराची जाना है कहाँ से जाहिर हो गई है तेरी आवाज तो जा सकती है लेकिन तू अकेली आई हुई कैमरे में ना आजी ना इधर मेरी तरफ है ना उस गरीब को भी साथ ले आई है तू बेचारे को इधर ले आई है काका आगे आ जा यार कौन है काका तेरा साथ उस बेचारे को इधर पकड़ लाइए उसको उसने कहा नहीं है कराची वालों को क्या हाल है
ऐसे दूल्हे मियाँ आ ही गए हो तो बाद में कह देना दोनों हम दादा साहब से सलाम करके कैमरा तो कितनी जरूरी है जिनमें बस मैंने प्यार कर दिया ठीक है कैमरा लगाऊंगा अच्छा उस बेचारे को ये ला गया आपका बेटा आए ना सलाम होता है आप सलाम कर रहे हैं हमारे पास इतने ही हैं थोड़े हैं तो कोई बात दूल्हा को सलाम ही दे सकते हैं ना आप आए हमारे पास मिलने आए तो देते हैं पहली बार आए मैं माफी चाहता हूँ गरीब फकीर आदमी हो ना अल्लाह ताला याद ही होते हैं कहीं नहीं भूलते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है अल्लाह ताला नहीं गुम होते हैं अल्लाह ताला साथ होते हैं अल्लाह ताला का हुक्म होता है शादी का तुम्हारी आवाज नहीं कहीं जा रही कैमरा इधर ही रखो लेकिन आप इन सबको कहूँ ये ना देखें ये आंखें बंद कर दें सारे ये साथ लेके जाओ चल तो फिर इधर 5 मिनट बैठोगी तो तुम्हारी आवाज आएगी कम बोलेगी बोले ना कोई किसी को ना याद रखता है ना भूलता है अल्लाह का एक निजाम है ठीक है ओए अल्लाह ताला नहीं भूलते हैं ना अल्लाह ताला किसी को भी नहीं भूलते अल्लाह मियां सबके साथ होते हैं सबका प्यार और ख्याल रखते हैं और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अपनी उम्र के मुताबिक काम करो अब ये उम्र है ना इसमें शादी करनी है ठीक है मूवी भी देखनी है ठीक है और शॉपिंग भी करनी है और फिर ससुराल जाना है अभी वापस नहीं गए फिर कराची से वापस आए अभी वापस आना है तो फिर वहाँ जाना है फिर वहाँ जाके घर बसाना है खिदमत करनी है अगर घर में सारे लोग हैं बड़े हैं छोटों से प्यार करना मैंने लिखा नफरत नफरत कहाँ अल्लाह की तरफ से आए होंगे मैंने नहीं किया कोई ना इसको देखे भाई कोई भी नहीं देख रहा तो लोग अपने काम में बिजी हैं कहाँ लिखा है मैंने नफरत भाई अल्लाह के बंदे ये दुआ के मैसेज मैं सारों को ये इकट्ठी पेस्ट भेजता हूँ ना कॉपी पेस्ट करके तेरी बात के जवाब में ये भेजा ये सारी दुआ है तो तू उस बेचारे को काका दूल्हा वो शादी करने आया है तू उसको इधर ले आई इधर दम मस्त कलंदर हो रहा है कौन सी फिल्म देख के आ रहे हो बोला कोई रोमांटिक मूवी इसने दिखाई है सारी फैमिली के साथ कोई रोमांटिक मूवी देखोगे तुम दोनों आए जाओ तो लड़ाई मार पिटाई की सारी फिल्म मैंने कोई हाल नहीं तेरा आप बहुत चला गए ना अभी तो पहले ड्यूटी होती है ड्यूटी है शादी भी एक ड्यूटी होती है जिंदगी की मूवी में एक नया मोड़ आया पर नहीं अल्लाह ताला नहीं भूलते ना मैंने कहा ना अल्लाह ताला नहीं भूलते अल्लाह ताला तो प्यार करते हैं आप उनका थैंक यू करते रहो बस सब खैर काके को तंग तो नहीं करती तंग तो नहीं करती साथ ही घूरी निकाल दी है उसको क्या करते हैं आपकी अपनी फार्मेसी है सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि ये दुल्हन तीसरे दिन शादी के चौथे दिन इधर आ गई है चल अब जा देर हो गई सारे घर वाले कह रहे हो किधर चले हाँ मैं दिल से नहीं मैं वैसे भी जा रहा हूँ तो घर जा रहा हूँ ठीक है कराची जाएगी तो मैं तुझे भूल ना जाऊँ मैं सारों के लिए पहले ही दुआ कर रहा हूँ फोन पे तो मेरा एटीट्यूड होता है मेरे पे ना कोई नहीं गुस्सा वहां जाएगी तो अब्दुल्ला शहबाजी पे सलाम दे दी हाँ माफ कर दिया
सारी ये दुआ है, सबने दुआ करनी है फातिमा के लिए, तेरे लिए नहीं दुआ करनी, किसके लिए करनी, सारे सबके लिए दुआ, तो हम सारों के लिए करें। तुम पे नहीं हंस रहे, मेरे पे हंस रहे। हाँ मैं कह रहा हूँ जा घर जा, एक तो झूठ बोल के आई है, मेरा बताया नहीं ना कि हॉस्पिटल जा। अच्छा फिर कह रहा हूँ तो फिर यू कह रही थी आवाज में, आवाज में थी। नहीं चल पहुंच अब, ओके बच्चों गाड़ी है, चलो निकलो, अल्लाह हाफिज। ये अभी आई है, एकदम ही जाहिर हुई। दीवाने अपनी मौज के अस्ताने, इनकी ड्यूटी बड़ी मुश्किल होती है, ना काके काकी खुश रखे। जी जनाब रंग रह गया जी। क्या फरमाइश है अली भाई की, लाल मेरी पत रखियो भला, कह रहे हैं उससे पहले लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लाल धमाल भी करानी है, एक पहली धमाल एक हो गई है, अब एक और धमाल करानी है। और फिर बस झूले लाल ही करनी, ठीक है। कौन सा बेबी है, क्या कहते हैं डॉक्टर अंकल, वो क्या कहना, क्या कहते हैं, गले में हार लेना है उसने, उसको मेरे पास भेज दे, ये लो इधर आओ। क्या नाम है इसका, क्या नाम है आपका, हैं शाजेब, वाह जी वाह, लो जी दूल्हा मियां, ठीक है खुश, चलो मौज हो गई। पागलों की दुआ धमाल होती है, इश्क की नमाज है धमाल। माशूक अगर आशिक को कह दे कि तू मेरे जैसा है, मैं तेरी तू मेरा, रू नाच उठती है ये रू का नाच, तो ये दुआ होती है, कोई नाचने गाने का नहीं ताल्लुक है, एक जज्बा है, एक कनेक्शन है। उस अजली हुसन से बिछड़ी इस रूह का जो खुद बेताब है इसके आ मिलने के लिए, जाने किसका किससे हिजाब है और किसका किससे हिजर है, हिजर है भी नहीं या वसल है भी नहीं, एक कहानी है, बहरहाल बार बार दोहरानी है जब तक ये जिंदगानी है। जिंदगी के इस ड्रामे में जो रोल मिला है वो निभाना है, रोजो शब के मेले में तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में, क्या तमाशा हो हाथ बांधे खड़ी हो दुनिया, क्या तमाशा हो हाथ बांधे खड़ी हो दुनिया, मैं चलूं हश्र में कहते हुए जाना जा,
मैं कहूँ हश्र में कहते हुए जाना जाना, एक ही जगह रहने दे इधर में, इधर फिर इनमें से कईयों पे जो कैफियत तारी हो रही थी अब वो दिखाना शुरू कर देते हैं, इस वक्त नहीं वो दिखा, ठीक है। इनमें से कई लोग नहीं अपने कंट्रोल में रहते, तो सबके लिए तो नहीं, लोग अपना अपना धमाल करें, ठीक। वैसे भी वो तो अपने अंदाज की दुआ कर रहा है, वो अपनी कैफियत में लगा होता है ना, ये लोग अपनी कैफियत में चले जाते हैं, इनमें से कुछ लोग नहीं एक्सपोज होना चाहते। हाँ जी, यही दोबारा क्या तमाशा होके, क्या तमाशा होके हाथ बांधे खड़ी हो दुनिया, हाथ बांधे खड़ी हो दुनिया, मैं चलूं हश्र में कहते हुए जाना जाना, मैं चलूं हश्र में कहते हुए जाना जाना। कई लोग इस पे एतराज करते हैं कि ये क्या मजहब में बिद्दत और पता नहीं क्या जिद्दत डाल रहे हैं, हम मजहब की बात ही नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ कोई मजहबी त्योहार है या मजहबी एक तरीका इलाज की बात हो रही है, उसमें कुछ दीवाने मस्ताने ऐसे होते हैं उनकी खुराक उनका नशा ओढ़ना बिछोना यार का तवाफ होता है, जाने कौन कहाँ झूम रहा होता है, होश के लोगों की बात नहीं है। सही कहा किसी ने, मैं होश में था तो उस पे मर मिटा कैसे, दो हो नहीं सकते, एक रह जाता है। शमा जलते साथ ही परवाना होश को बैठ, वो नहीं रहता। लेकिन बहरहाल ये वो दीवाने होते हैं जिनके पास लोग भागे आते हैं, शाह साहब दुआ करें दुआ करें दुआ करें, दरिया आ गया शहर को बहा के ले जाएगा, दरिया का रुख नदी का रुख बस्ती की तरफ हो गया है, बस्ती बह जाएगी, हमारा सब कुछ लूट जाएगा। ये दरिया किनारे जा खड़े होते हैं और दुआ इनकी ये होती है कि जिधर मौला उधर शाह दौला, अगर अल्लाह की यही मर्जी है बस्ती बह जाए, अगर वो अपनी रहमतों का, इनके लिए वो भी रहमत होती है, ये हर तरफ उसकी रहमत ही देखते हैं, जिसे दुनिया जहमत समझती है ये उसको भी रहमत ही लगती है, दुनिया उसे तंगी समझते हैं और ये जानते हैं कि ये भी आसानी है, जो उसकी मनमानी है। तो इनका नाच ये होता है कि जिधर मौला उधर शाह दौला, जिधर मौला उधर शाह दौला, जिधर मौला उधर शाह दौला। इसी दीवानगी में कई बार दरिया की लहरें जो हैं वो चीखना शुरू कर देती है, जिधर शाह दौला उधर मौला, जिधर शाह दौला।
उधर मौला, जिधर शाद मौला उधर मौला, दरिया बैठ जाते हैं, फकीर की मौज के आगे दरिया की मौज के आगे। वो हर वक्त एक नई शान एक नई मौज में होता है, उसकी मौज में के आगे अपने आप को सुपुर्द कर देना, वो जिस मर्जी मौज में है, जो उसकी शान है। कहते ना चाहे वो पकी पकाई खीर गिरा दे और चाहे तो कच्चे को मजेदार तरीन फल बना दे, उसकी मर्जी है, उसकी शान है। सदियों की इबादत अजाजील की मिनट में उसे इबलीस दर्जे पे ले गई, क्योंकि उसको उसका जोम आ गया। और आदम अलैहिस्सलाम ने अभी एक तस्बीह एक सजदा कुछ भी नहीं किया हुआ, उसकी शान है, उसने उसे संघासन पे बैठा दिया। आज से तुम सब इसके ताबे हो, कोई एफर्ट नहीं है आदम अलैहिस्सलाम की, लेकिन उसकी मर्जी है, उसकी मौज है, उसके इरादे का नाम ही फकर है। फकीर उसके इरादे को पहचानता है और उसके आगे अपने आप को सुपुर्द रखता है। इसी में कहीं मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई। अगर दरिया की लहरें ये जवाब देना शुरू करें कि आज जिधर शाह दौला उधर मौला, उधर मौला उधर मौला, दुनिया कहती है कलंदर की दुआ कबूल, पीर की दुआ कबूल हो गई। पीर की दुआ तो यही होती है जो तेरी मर्जी है, लेकिन आगे से आ जाता है नहीं, आज जो तेरी मर्जी है। आसमान से जादू का इलम भी भेज देता है और मूसा अलैहिस्सलाम को असा भी अता कर देता है। ये सारा खेल उसका अपने क्या सही और क्या गलत, सबसे कहीं आगे वो खड़ा है। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से लेके शाम तक पाबंदे सलासल जंजीरें पहन के वो पैदल जो सफर किया तपती रेतों पे शहजादियों के साथ, सरेआम पूछा और बाजार में जो दुआ की है उन बस्तियों के लिए जिन बस्तियों के मकीन वो कातिल थे, जहां जहां से ये गुजरे वो बस्तियां उजड़ने से बच गई। फकीर अपनी दुआ कर गए, उन तपते अंगारों पे भी खैर 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 मांगते गए। ये वो ज़र्फ़ था जो सरकार दो आलम और उनकी आल को अल्लाह ने अता किया है। इस जुल्म के बाद भी कातिलों को दुआ देना, उनकी नस्लों की खैर मांगना, आह न देना, जो तेरी रजा है हम उसमें राजी हैं। जो तू चाहे सो कबूल है। अगर मौला अली अकेले दर्रा खैबर दरे खैबर गिरा सकते हैं, फातेह खैबर हो सकते हैं,
और सरकारे दो आलम एक मुट्ठी भर मटी से अकेले पूरे लश्कर को जेर कर सकते हैं। तो हुसैन के लिए तो सरकार ने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हूं, तू मुझसे, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। फिर वो ज़र्बे यदुल्ला, अल्लाह का हाथ, जो मौला अली का हाथ भी बन गया और सरकार का भी, हुसैन का क्यों नहीं बन सकता, अब्बास का क्यों नहीं बन सकता, अली अकबरी अली असगर का क्यों नहीं बन सकता। लेकिन ये ज़र्बे यदुल्ला की सिफ्त का मजर होते हुए सजदा शब्बीरी वो नया मुहावरा है, मिसल है, पीछे चार किताबों में भी नहीं मिलती। और ये ऐसा निशान है, ये वो सजदा है जो जमीन पे निशान सब्त कर गया, ये वो जिक्र इलाही है जो क़यामत तक जारी है सारी रहना। लाल शहबाज कलंदर की धमाल इमाम सज्जाद या ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम जो हैं उनके उसी सफर की याद, उस सुन्नत को पूरी करते हुए दुआ है, उस दर्द में जाते हुए, इस सारी उम्मत को अपना खानवादा समझते हुए, जो उनके नाना के दिए हुए तोहफे कुरान को छोड़ के गैर अल्लाह में मशगूल है और खुशी से नाच रही है, उनकी खैर के लिए ये दुआ उनकी थी, उसी को निभाते हैं। आज भी बाजारे शाम भी है, यजीद भी हैं, शिमर भी हैं, इब्ने ज़ियाद भी हैं, तो रस्म शबीरी भी इकबाल इसीलिए कह गया, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। रस्म शबीरी यही है कि ज़र्बे यदुल्ला होते हुए सजदा शबीरी अदा कर, ये नसीबे की बात है। जिससे खुदा ये काम ले ले, जी फाजी इस मुल्क को कौम की खैर के लिए उस अल्लाह के आगे पेश होके बस सुनो, नाच गाने सुर ताल की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उससे जा जुड़ने की बात है जो आपके अंदर मौजूद है, उसके आगे हजूरी की बात है, जा हाजिर होने की बात है, उसको पहचानने की बात है, उसकी शान, उसकी यान, उसकी बान, उसके इरादे, उसके जिन पे खोलना चाहे उसकी मर्जी है। हम में से तो किसी की इतनी सकत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब देना है।
आगे उसकी मर्जी कबूल करे। पाक मुकद्दस ददे तेरा हर थानूर शुआ पढ़ बिस्मिल्ला सिफ्त में तेरी पढ़ बिस्मिल्ला सिफ्त में तेरी मुर्शिद लाल सुना दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया हे मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया दामन लगिया माला मैं तो तेरिया मुर्शिद लगिया माला मैं तो तेरिया सुन ले मेरा सवाल जी सिवाने लाल अब तो मरना मुहाल जी सिवाणी लाल अब तो जीना मुहाल जी सिवाणी लाल मैं तो तेरिया दामन लगिया माला मैं तो तेरिया मुर्शिद लगिया मौला मैं तो तेरिया मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया मारा पस्ती हाथ सखी कर बोलन अता पस्ती हाथ सखी कर बोलन अता लाल सुन मेरी वास्ते मुस्तफा लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा मैं तो तेरी हाँ 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 सुन ले मेरा सवाल
लाल जी से वाणी लाल अब तो मरना मुहाल जी से वाणी लाल मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां दामन लगियां माला मैं तो तेरियां दिल है गोशा मशी नूरे महत मिले दिल है गोशा मशी नूरे महत मिले कष्टिये आस को मारा साहिल रे कष्टिये आस को मारा साहिल रे मैं तो तेरी हाँ मैं तो तेरी आँ 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 मैं तो तेरी आँ मैं तो तेरी आँ सुन ले मेरा सवाल जी से वाणी लाल अब तो मरना मुहाल जी से वाणी लाल मैं तो तेरियां दामन लगियां माला मैं तो तेरियां लाली मेरे मैं जित देखूं उत लाल ते लाली वेखण मैं गई ओ मैं भी हो गई लाल के सरिया वाल आओ जी पधारो मारो दे उछला रोजा तीरा तेरा उछला रोजा तीरा तेरा हेठ वहे दरे आओ बाला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर अली हर दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर अली हर दम दे अंदर लाल मेरी है लाल मेरी मान पीरा बचरे देने मान पीरा बचरे देने मान पीरा बचरे देने बैणन देने वीर मिला झूले लालण जुंदड़ी दा जिंदड़ी दा हो सेवन दा
सिंधनी दा सखी शाबाद कलंदर दमादम मस्त 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 कलंदर 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 मस्त मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त उछड़ा रोजा पीरा तेरा उछड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ बहे एक मोहब्बत की धमाल है एक वहशत की है दीवानगी की है अदब की है मोहब्बत की है और फिर यार मनाने की भी है तो हर किसी ने अपनी अपनी करनी है तो जिसको जो वाला पार्ट अच्छा लगे ये उसी के लिए है जिसका जो दौर चल रहा है जो जिस जमाने से गुजर रहा है जिस पे जो दर्द अपना अपना दर्द है ना जो जहाँ से गुजर रहे हैं उसमें तो वो कर लेकिन सबसे खूबसूरत धमाल वो है जो अदब से पेश की जाए जो मैंने जिंदगी में पहली बार अली भाई की वो तो अपने मुर्शिद को पेश कर रहे होंगे ना हुजूर धमाल डालना और धमाल करना और पेश करना पेश करना पेश अदब से प्यार से मोहब्बत से किया जाए नहीं कि दर्द में दर्द को तो एक उसकी मोहब्बत है उसको मोहब्बत समझ के उसको और ज्यादा रुझाने के लिए रिझाने के लिए तो प्यार से मोहब्बत से सर पेश किया जाए वो कहते हैं कि जब बकरे की खाल गर्दन उतर जाए तो खाल उतरते हुए मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर गर्दन दे दिया है तो फिर खाल उतरने में टेंशन तो ना हो तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्यार से मोहब्बत से अदब से ये सिर देते हैं यार मिले ते फिर सिर देवन किसका सिर देवी ते वफा भी ना मंगी एहो पीर फकीर बदर वाह भी तो ये कहेगा सिर देवी ते वफा भी ना मंगी पेश होने वाले का काम तो है ना वो पेश हो जाए ठीक है गुलाम तो काम है पेश हो जाए आगे कहते माली दा कम पानी देना भर भर मशका लावे आप कह रहे हैं ना बकरे का सर उतर जाए तो धड़ की खाल उतर जाए धड़ भी एक मशक की सूरत ही होता है सर करते साथ ही मशक पूरी बह जाती है बह जाता है तो माली दा कम पानी देना भर भर मशका लावे मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे ठीक है मौला हुसैन के पास 72 मशके थी उन्हें पेश करना कहने वालों ने तो पानी बंद कर दिया कि क्या पेश करेंगे पानी नहीं होगा वजू नहीं होगा क्या होगा और क्या नहीं होगा ठीक है उनका वजू उन्हें जरूरत नहीं थी उन्होंने वाजे कर दिया लेकिन राज नहीं दिया ठीक है राज दिया नहीं वाजे कर दिया सब कुछ किसी माई के लाल में जरूरत है तो ले ले राज खुदा होने का दावा करते हैं लोग रसूल होने का भी करते हैं कभी किसी ने हुसैन होने का नहीं करता कौन करे हो नहीं सकता वो शान अल्लाह ने जिसके लिए बनाई वो उसी की है नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला ना हुजूर तो मैं आपकी खिदमत में मौला हुसैन पाक का एक कलाम पेश करूंगा चलो जो अल्लाह को मंजूर ठीक आज इतनी बर्दाश्त आज इतना ही काफी है ठीक है अच्छा ये फोन नंबर पहले दे दिया लाइव कॉल अल्लाह के बंदो मैंने एयरपोर्ट जाना है भैया फिर एयरपोर्ट नहीं जाता लंगर तो करना है हमने लंगर भी रहने दे लाओ लोग फोन कर ही जा रहे हैं
चाय दे दो जी, चाय दे दो मुझे, ताकि दे दो, किसी और ने देनी है तो उन्हें भी दे देना। 0321